पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। अगर साउथ कोस्ट उड़ीसा में तो कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा हुई और लेकिन बाकी उड़ीसा में एक दो स्थान पर वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा मलकानगिरी कोरकुंडा में 60 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके बाद कोरापुट में 53.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी के साथ अगर सीजन टोटल देखे जाए तो 1 अक्टूबर से अभी तक का जो 5 नंबर की वर्षा है वो 83.9 मिलीमीटर हो गई, जो सामान्य 120.9 मिलीमीटर से अभी भी -31% नीचे है। अगर बात टेम्परेचर भी अभी मिनिमम टेम्परेचर फुलवानी और बोध में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिल स्टेशन कोरापुट में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस और कटक में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बाद में मिनिमम टेम्परेचर 24 और चेंज की तो कल के बाद में सोनपुर में सबसे अधिक जो नीचे गए टेम्परेचर -2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। उसके बाद नियागढ़ में 1.5 पुरी में भी 1.4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है 24 घंटे में नीचे गए हैं। भुवनेश्वर में -0.8 डिग्री सेल्सियस कटक में -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गए हैं। फिलहाल तो उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिटवर्ड वेदर सिस्टम नहीं है। ये ईस्टर्ली वेव के प्रभाव के कारण अभी कुछ जगह पे अगले 3 दिन तक रेनफॉल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। आज कोस्टल उड़ीसा और उसके साथ साथ मयूरभंज केन्द्र ढेंकरा अनुगुल बोध कंधमाल कलाडी नवरंगपुर रायगढ़ कोरापुट कांगेर डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। इसी प्रकार कल 6 तारीख को भी साउथ कोस्ट उड़ीसा और रायगढ़ कोरापुट कांगेर डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 7 तारीख को गजपति रायगढ़ और मुल्तानगिरी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा जो अगले 7 दिन तक 11 नवंबर तक जो ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर बात करें टेम्परेचर फोरकास्ट की तो अगले 2 दिन तक जो मिनिमम टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर उसमें ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद में जो तापमान है धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने की संभावना है। ज्यादातर उड़ीसा में अटमेटिक प्लेसेस नीचे गिरेंगे तापमान, तो ठंडी का सीजन जो आना ठंड जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। भुवनेश्वर के बाद भुवनेश्वर का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है और वेदर में पार्टिकल क्लाउडीज के भी 1 और 2 स्पेलों को रेनफॉल होने की संभावना है। पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे बैशाखी प्लाजा तरफ आपणमानंकु हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। बैशाखी प्लाजा आसंतु ढेर सारा रिहातीर मजा नियंतु। बैशाखी प्लाजा रे रोसेई सरंजाम उपरे पांतु अप टू 35% पर्यंत रिहाति। आम बारिपदा बैशाखी प्लाजा स्टोर को आसंतु 1999 टंका रे शॉपिंग रे पांतु 1 लिटर सनफ्लावर रिफाइन तेल बिल्कुल मागणा एवं 3999 टंका रे शॉपिंग रे पांतु 5 केजी आशीर्वाद अटा बिल्कुल मागणा रे। सेहिपरि बेतनटी बैशाखी प्लाजा स्टोर को आसंतु 2500 टंका किणाकिणी उपरे पांतु 2 केजी चीनी बिल्कुल मागणा रे। 3500 टंका किणाकिणी उपरे पाई परिबे 5 केजी तृप्ति अटा बिल्कुल मागणा रे। तेणु आउ डेरी काहे कि यथाशीघ्र आसंतु बैशाखी प्लाजा रे शॉपिंग करंतु एवं ढेर सारा आकर्षणीय रियायती रो मजा नियंतु। ठिकणा बारीपदा दरगडे गोले एवं बेतनटी हाट छक।